उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोमवार को सनौड़ी गांव के दर्जनों किसान अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे। हाथों में कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार खतौनी के नामांकन के लिए मोटी रकम वसूल रहा है। इसकी शिकायत इन्होंने SDM से करी है। एक सनौड़ी खास गांव है, वो काफ़ी दिनों तक चकबंदी में रहा है, लगभग 20 साल तक चकबंदी में रहने के कारण उस गांव की खतौनी नहीं बनी थी। उस गांव की खतौनी अब बनाई जा रही है। उसी के संबंध में कुछ यहां के ग्रामीण आके मिले थे। हमने इन सभी से कहा है कि इस संबंध में हमको शपथ पत्र दें या जिसके द्वारा किसी ने पैसा मांगा है, इसमें हम जाँच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सर, ये हमारे यहाँ खतौनी को लेकर मामला आया है जो दाखिल खारिज और फौती से संबंधित है। इसके लिए जब हम तहसीलदार महोदय या लेखपाल साहब के पास जाते हैं तो ये लोग डील करते हैं और एक विकास सक्सेना नाम का व्यक्ति है उसके पास भेजते हैं। कोई भी कस्टमर जाता है, किसान भाई या हम कोई जाते हैं तो विकास सक्सेना के पास भेजते हैं, चाहे तहसीलदार महोदय हों या लेखपाल साहब हों, और वो डील करते हैं कि मिनिमम चार्ज 5,000 रुपये और प्रतिवर्ष अगर अधिक समय हो गया है तो 1,000 रुपये प्रतिवर्ष चार्ज होगा। 5,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक की डिमांड है उन लोगों की दाखिल खारिज हेतु। किस तहसील के तहसीलदार? तहसील पटियाली और सनौड़ी खास मौजा है हमारा, और वहाँ के लेखपाल हैं संजीव कुमार।